इंशाल्लाह ज़ाहिरीन जा रहे ज़ियारत के लिए 13 रजब इन नजफ इंशाल्लाह बॉम्बे एयरपोर्ट पे सब खड़े हुए हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के एयरपोर्ट पे आप सब लोग उसी दुआ से इंशाल्लाह ज़ियारत करने जा रहे हैं हम लोग। टूर ऑपरेटर आले यासीन जनाब तनवीर भाई घबरानी, दिस इज अ बगदाद एयरपोर्ट। देखो ये है, ये हम नजफ पहुंच चुके हैं, नजफ अशरफ नजफ का चेक पोस्ट है। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम मेरे मोमिनीन, ये जो आप गेट देख रहे हो ये मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का है और सामने ठीक मौला अली अलैहिस्सलाम की जरी दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोमिनीन, गेट तोसी है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़री मुबारक है, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। ये हरम है मौला अली अलैहिस्सलाम है, ये जनाजा जा रहा है, यहाँ पे हर 5-10 मिनट 15 मिनट में किसी न किसी का जनाजा आता है। यहाँ पे बाजूसलाम कब्रिस्तान है, वहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। ये मीनारा है, 13 रजब के दिन इसका ओपनिंग है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमीर मोमिनीन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये जो आप रोज़ा मुबारक देख रहे हो ये मौला अली अलैहिस्सलाम नजफ है, अशरफ है। माशाअल्लाह मसल हवाला नहीं है लेकिन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लोग अपने अकीदे के अतबार से तो शरई अतबार से, लेकिन इसका कोई हवाला नहीं कि किसी इमाम ने या किसी ने बताया हो, तो वो करने में ऐसे कोई हर्ज नहीं है। ख़वातीन उस साइड जाके नमाज़ पढ़ लें और मर्द हज़रात इधर आके नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। हज़रत ईसा देखे जो अली का था अमामा, वो अमामा देखे के आपके साथ रहे कर मस्जिद कुफा। ये है मस्जिद कूफा जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाया करते थे और यहाँ पर ही इमाम अली अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ था। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रूरत लगी थी, वो मकाम है यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रूरत लगी थी। मस्जिद कूफा जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़्यादा खराब है, मुस्लिम अपने अकील की ज़री मुबारक गई है मस्जिद कूफा के अंदर जनाब मुस्लिम अपने अकील।
ये जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम ने अकील की ये रोज़ा है। जब कूफे में आए थे, जब मौला की ज़ाहिरी हुकूमत थी, तो मौला का ये घर था, इसी में मौला रहते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब कुलसुम सलामुल्लाह अलैहिमा, ये सब यहीं क़याम करती थी। मौला अली सलाम की जब शहादत हुई तो इमाम हसन इमाम हुसैन ने मौला को यहीं गुस्ल कफन भी दिया था अंदर। समय तम्मार की रोज़ा मुबारक ज़रिए मुबारक पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात امام زمان باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي حيدري يا علي ما شاء الله جزاك الله والله سلامت لگے مرتضى بھائی ویڈیو اتارو بھائی ویڈیو مگر نہیں ہوگا مسجد شیلا کے لیے عربی میں अगर उसको उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे तो इसके माना होते हैं झुकने के, हन्ना या हन्नों के माना जो झुकने, कमर खमीदा, और इसकी जो फजीलत है वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करूँगा। अभी जो मैंने आपके सामने हदीस को बयान किया, आबान इब्न तगलब से जो रवायत है, वो बयान करते हैं कि कुंतो मा अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम फमर्रा बज़हरिल कूफा, कि हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलातु वस्सलाम के मस्जिद कुमैल, मस्जिद कुमैल जगह लिए
रसूल अल्लाह के साथ उनके खैमे में उनके साथ आमाल को अंजाम दिए, कितना मर्तबा है आपका, आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं। आप यहाँ भी ज़ाहिर पढ़ा दिए एंट्री की, बहुत ही ज़्यादा जो है इसके फजीलत है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये सवाब रखता है, समझ रहे। तो ये मस्जिद सहला जिसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर कहा जाता है, ये जनाब खिज़र का घर है, जो जनाब खिज़र जो अभी तक बाहयात हैं उनका आना जाना यहाँ लगा रहता है। और इसी तरीके से आखिरी सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बाबे तौसी गेट है ये, शेख तौसी गेट, माशाल्लाह। ये वाजु सलाम में दफन होने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर पे यहाँ पे मैयत कहाँ कहाँ से होते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम की गली। السلام علیکم امیر المومنین اپنے ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی زر مبارک، مولا آپ سب کو، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نجف ٹو کربلا، نجف ٹو کربلا جا رہے ہیں ہم لوگ، कर्बला सिटी। रोज़ा अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। Thank you.
ذریعہ ملاقات یہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کا روضہ اور یہ ہے بین الحرمین یہ ہے مولا ابو الفضل عباس علمدار کا روضہ ماشاءاللہ آج شب جمعہ ہے اور ماشاءاللہ کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے زائرین जा रहे हैं मकाम जनाब अली अकबर कि अभी हम जा रहे हैं मकाम शेर फिजा की तरफ ये मकाम मकाम शेर फिजा के नाम से मारूफ है मजलिसों में मसाइब में आप हमेशा सुनते होंगे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत आंटी इधर देखें ये बीबी ज़ैनब का ताबूत लेके यहाँ के कबीले वाले इमाम हुसैन के यहाँ पुरसा पेश करने जा रहे हैं अस्सलामु अलैकी या अकीला बनी हाशिम अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आप लोग भी मातम करके पुरसे में शरीक हो जाए अल्लाहुम्म सल्ली अला अब आ जाएं इधर हाँ आ जाएं इधर भीड़ हो जाए आंटी इधर आ ये कि इसी जगह पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद मौला अली असगर को हुरमलान से शोभा तीर से कत्ल नहीं बल्कि ज़िबा किया था ये झूला देखें आज भी निशानी है हम और आप वहाँ पे जाएं अपने हाथों से मौला असगर का झूला भी झूलाएं और इमाम हुसैन को पुरसा पेश करें हज़रत रबाब सलामुल्लाह अलैहा की बात मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं मैं ख्वाब में सो गई तुझे मैं ख्वाब में सो गई तुझे लोरी भी सुनाऊं अलैकी अमल हुसैनी शहीद अस्सलामु अलैका व अला उम्मत मज़लूमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बाबुल हवाइज हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का वास्ता या अल्लाह तुझे यहाँ जितने अदादार आज मकाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है यहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा है जब इमाम यहाँ आके हैं यहाँ से इमाम फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गए लिहाजा इस जगह को मखसूस कर दिया गया मकाम या साहिब ज़मान तो यहाँ पे दो रकत हम लोग अंदर नमाज भी पढ़ेंगे और दो रकत नमाज़ें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह ठीक है माँ मुझे मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लिन्निसा दुखूल ये मकाम नहरे फुरात है जो आप मजलिसों में अक्सर सब सुनते हैं कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तमन्ना ये थी कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तक पानी पहुंच जाए
अभी हम और आप ज़्यारत कर रहे हैं, ज़रा सा थोड़ी दूर चल रहे हैं तो प्यास लग रही है। वो खैमा के जिस खैमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे बच्चे रहते थे, उनकी तशनगी का क्या आलम था, उनकी प्यास का क्या आलम था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आशूर की तारीख में जब छोटे छोटे बच्चे मकाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जाते हुए नहर फुरात से, ये मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। दो रकत नमाज़ मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। इसकी तारीख ये है कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आए थे तो इसी मकाम पे आपने क़याम किया था, नहर फुरात से गुस्ल किया था। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हमारे बादशाहों के बादशाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका रोज़ा मुबारक है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कतल का है जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर, ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये जो आप रोज़े मुबारक देख रहे हो, ये मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार का रोज़ा है जो माशाल्लाह बैनुल हरमैन से थोड़ी ही दूर पे ये रोज़ा बना है, और वहाँ पर जो आप ठीक देख रहे हो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है जो ठीक बैनुल हरमैन से वो बाजू की तरफ है। मौला आप सब लोगों को ज़्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब हो। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। बस सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ये हमारे मौला के खिदमतगार जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक की धूल को साफ कर रहे हैं। ठीक सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक मिल रहा है। मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार एकदम नज़दीक मैं खड़ा हूँ मौला अबुल फजल अब्बास के ज़रिए मुबारक के पास। अभी हम और आप जिस मकाम पे हैं, ये मकाम तिल ज़ैनबिया है। तिल अरबी में उस जगह को कहते हैं कि जो ज़मीन से ज़रा ऊंची जगह हो। मसाहिब इमाम हुसैन में हमने अक्सर ज़ाकिरीन से उलमा से सुना है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही थी, जब इमाम हुसैन के गले पे शिमर कुंद खंजर चला रहा था, तो बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने खैमे से बाहर आई थी, और बाहर आने के बाद एक बुलंद मकाम पर कि जिसका नाम तिल था,
चूँकि जनाब ज़ैनब उस मकाम पर आई और वहाँ से आपने आवाज़ दिया है उमर साद तो खड़ा होकर देख रहा है और मेरा माँ जाए प्यासा ज़िबा हो रहा है, तो उसी शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस आवाज़ से, उस इस्तगासा से, आपकी फरियाद से, उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गिरिए की आवाज़ इतनी थी कि ज़मीन करबला कांपने लगी। बाद में ये तारीख़ यूँ बनी कि इस मकाम को तिले ज़ैनबिया के नाम से याद किया जाने लगा। हम लोग इस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत भी पढ़ेंगे। रिवायत में है, उलमा बयान करते हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी आलिम से किसी ख्वाब में या मुकाशफे में कि मेरे ज़हूर की ताजील के लिए दुआ करना है, तो अल्लाह की बारगाह में मेरी फूफी बीबी ज़ैनब के हक़ का वास्ता देकर दुआ करो कि या अल्लाह तुझे वास्ता बीबी ज़ैनब के हक़ का कि इमाम ज़माना के ज़हूर में। ये मकाम खैमे गाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, यही वो जगह है कि जहाँ बीवियों का खैमा लगा था। यहाँ पे दो रकत नमाज़ पढ़िएगा, नमाज़े मकाम खैमागाह क़ुरबतन इलल्लाह, सुबह की जैसे पढ़ती हैं वैसे पढ़िएगा। ये कुछ अलामतें मदिन व आलि मोहम्मद व अजल फ़रजहम। अभी हम और आप जिस जगह पे हैं, ये हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दो फ़र्जंद, एक का नाम जनाब ओन, दूसरे बेटे का नाम हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम था। हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद जब जंग कर रहे थे, तो हज़रत ओन और मोहम्मद जंग करते करते आप वो करबला इमाम का जहाँ पर रोज़ा है यहाँ तक आप जंग करते हुए आ गए, और प्यास का वो आलम था कि दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि ये सामने दरिया है, क्या हम पानी पी सकते हैं। फिर एक भाई कहते थे कि हम अपने अम्मा को क्या मुंह दिखाएंगे। जनाब ओन जनाब मोहम्मद दोनों यहीं पे शहीद हुए थे। जनाब ओन को यहीं पे दफनाया गया था। मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो गंजे शहीद है जहाँ पे इमाम की जरी है, हज़रत ओन अलैहिस्सलाम की कब्र हकीकी यही है। जनाब ज़ैनब ने जिन्हें पाला था अपने हाथों से वो यहीं दफन है। बीबी को भी पुरसा पेश करें, इमाम हुसैन को भी पुरसा पेश करें। हकीकी कब्र है, इसको हाथ में थाम के बोसा लेके अपनी दुआएं पेश करें, अल्लाह को वास्ता दें कि अल्लाह बीबी ज़ैनब के फर्जंद ओन के हक का वास्ता कि हम सबको इस बारगाह से खाली हाथ ना लौटाएं। इमाम ज़माना की हमें मार्फत अदा फरमाएं। जनाब ओन और मोहम्मद बड़े छोटे से थे करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर असहाब अंसार अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। ज़ैनब ने ओन मोहम्मद रहीम। इस वक्त हम लोग हज़रत इब्राहिम और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के फ़र्जंद हैं उनकी कब्र के पास हम हैं। यहाँ के जो वज़ायफ़ हैं, यहाँ का जो अमल है, हम अभी ज़ियारत पढ़ेंगे। ज़ियारत पढ़ने के बाद आप लोग फिर अपना फ़्रेश होना है, ज़ोहर की नमाज़ भी यहीं पढ़ के फिर उसके बाद अंदर जब आप जाएँगी ज़री के पास तो दो रकअत ज़ियारत हज़रत मोहम्मद और दो रकअत ज़ियारत हज़रत इब्राहिम अलग अलग सुबह की तरह पढ़ना है। और अफा बात बयान करते हैं कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के ये दोनों फ़र्जंद हैं जिनका नाम इब्राहिम और मोहम्मद, बड़ी छोटी सी उम्र में ये दोनों कूफे में आए थे अपने बाबा के। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत ये है कि ये दोनों फ़र्जंद अपने बाबा के साथ आए, उसका हज़रत मुस्लिम इब्न अकील से जब जुदा हो गए बिछड़ गए तो ये इसी कूफे के दर बदर की ठोकरें खाने। चीज़ भाई शामिल है, चीज़ भाई शामिल है, वो कहीं शामिल है।
على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله بھی ہم اس مقام پہ ہیں کہ جہاں ہمارے مولا مشکل کشا ابو تراب فلک جناب ید اللہ عین اللہ لسان اللہ کے حکم سے سورج پلٹا تھا. اللہ ہم سب کو مولا کی ولایت سے سرشار فرمائے, ہم سب کے دل میں علی کی ولایت کا سورج روشن ہو. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہاں سے آپ علی محمد وعجل فرجہم. یہ مقام حضرت ایوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمارا آپ نے سنا ہے, آپ کا صبر بڑا مشہور تھا, صبر ایوب. مجلسوں میں ہم ذاکرین سے سنتے ہیں, ایوب کا صبر دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھو. پانی مقام ایوب علیہ السلام پاس ہے, کئی ہزاروں سال سے پانی نکلا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ پانی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اگر چہرے پہ لگایا جائے تو اسکن پرابلمس کافی دور ہوتی ہیں. سامنے عربی میں لکھا ہوا ہے اور لکھ دے سکتے ہیں. حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام شریفہ تھا, ان کی عمر تاریخ میں 5 برس ہے. اور ایک روایت ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب کا قافلہ کربلا سے جب چلا تھا تو اس قافلے میں حضرت شریفہ بنت امام حسن بھی تھی, کہ جو اس مقام پہ آ کے ان کی شہادت ہوئی تھی تو اسی مقام پہ انہیں دفن کر دیا گیا تھا. علماء بیان کرتے ہیں اور یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں کہ یہاں پہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے اپنی شفا یابی کے لیے تو اسے شفا ملتی ہے. آپ جب ادھر سے آ رہی تھی تو دیواروں پہ وہ بینر لگا تھا تصویروں کے ساتھ, تو ان مریضوں کی تصویر تھی کہ جنہیں یہاں سے شفا ملی ہے. تو یہاں آپ ہمیں نیچے مولا عباس کے روزے کے سرداب میں جانے کی پرمیشن ملی ہے, تو یہ جانے کا راستہ ہے. یہاں پہ ایک کاروان پانی, اللہ نے ان کو اولاد نرینا بیٹا عطا کیا. بیٹا ایک مرتبہ بچپنے سے نوجوانی اور پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچا اور کہا کہ بیٹا یہ فائن نظر واجب ہے, یہ لو خنجر یہ لو چھری اور یہ زاد راہ ہے, جاؤ یہاں سے زائر امام حسین گزرتے ہیں, یہاں سے زائر امام حسین گزرتے ہیں ان کو قتل کرتے جاؤ تاکہ نظر پوری ہو سکے. یہ نہیں کہا کہ ایک کو قتل کرنا, یہ نہیں کہا کہ 10 کو قتل کرنا, بلکہ کہا کہ جو بھی زائر حسین اس کو قتل کرتے چلے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک میں آخری سلام, یا مولا یا مولا. امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک ہے, رات کا 1 بجا ہے ماشاء اللہ, نہ سب کو زیارت نصیب کرے میرے مولا. یا مولا یا مولا یا عبد اللہ. کربلا محلہ, یہ ہمارا مولا ابوالفضل عباس کے روزے کا آخری سلام ہے.
देख सकते हो आप सामने। सलाम अब्बास या मौला, मौला हम सबको फिर से मौला की ज़ियारत के लिए बुलाए, सब लोग के लिए इल्तमास दुआ। यह हमारी बस है, हम लोग यहाँ से अभी थोड़ी देर में समर्रा के लिए रवाना हो गए। यह हमारा काफिला है आले यासीन टूर। سید محمد امام حسن عسکری علیہ السلام روضہ مبارک سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مبارک مندر داخل ہوتے ہوئے ठंडी है यहाँ पे अभी फ़िलहाल 14 डिग्री है। इतनी ठंडी है कि 14 डिग्री बोलने को होती है पर फील जो होता है वो 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास है। काजमैन की ज़्यारत के लिए काजमैन में जा रहे हैं रोज़े मुबारक में हरम में। अभी हम और आप
अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत पे जा रहे हैं। ये मकाम मलकूती है, ये वो जगह है कि जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मैं दो वाक़े आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। रिवायत है इमाम मासूम से कि किसी ने पूछा कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब क्या है।